Good morning everyone, I'm Sonia and today we discuss about class 9th math polynomial. ठीक है, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पॉलीनोमियल. बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि पॉलीनोमियल होता क्या है, तो आज हम बहुत ही इजी वे में सीखेंगे कि पॉलीनोमियल क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि पॉलीनोमियल क्या होता है. पॉलीनोमियल क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म. दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म का कोई भी एक्सप्रेशन, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीनोमियल बोलेंगे. ठीक है, अब क्या होता है, इसको दूसरे तरीके से अगर हम समझें तो क्या रहेगा? द सम ऑफ सेवरल टर्म, जो किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में टर्म है उनका सम, दैट कंटेन डिफरेंट पावर ऑफ सेम वेरिएबल. ठीक है, तो जो हमारे पास आपकी कोई भी एल्जेब्रिक टर्म है, जैसे ये है, इसके अंदर जो डिफरेंट पावर होंगी उनका सम क्या बोलेंगे हम? उसको पॉलीनोमियल बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 5xy² - 3x + 5yq - 3. ठीक है, तो ये क्या है आपका? है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर सबसे पहले अब मैंने लिख तो दिया ये क्या है 5xy² - 3x + 5yq - 3. अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये एक्स वाई क्या है, ये फाइव क्या है, प्लस माइनस क्या है, इनको क्या बोलते हैं. ठीक है, तो हम ये सीखते हैं. जैसे जो हमारे पास, जैसे इसमें दिया गया आपका एक्स वाई दिया गया है, या कोई भी अल्फ़ाबेट आपका एक्सप्रेशन में दिया गया हो, मैथ के एक्सप्रेशन में, जैसे एक्स वाई जेड हो गया, एल एम हो गया, ए बी हो गया, तो उसको, इन सबको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं उन सबको? वेरिएबल. ठीक है, और इन वेरिएबल के आगे जो डिजिट आपकी लगेगी, जो डिजिट आपके वेरिएबल के आगे लगती है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोफिशियंट. क्या बोलेंगे उसको हम? कोफिशियंट. ठीक है, अब ये एक्स और वाई क्या हुए? हमारे वेरिएबल. अब देखो, ये यहाँ पे माइनस दिया गया है, यहाँ पे प्लस दिया गया है, यहाँ पे फिर से माइनस दिया गया है, तो ये प्लस माइनस माइनस, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर. क्या बोलेंगे इनको? इनको बोलेंगे हम ऑपरेटर. ठीक है, अब पूरी इस एक्सप्रेशन टर्म के बाद जो सिंगल डिजिट बचती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट. मतलब अगर हम डायरेक्ट वे में बात करें तो कोफिशेंट हो जिसके साथ में और कोई वेरिएबल लगा हो, प्लस क्या हो, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म हो, उसका कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं?